आखिर क्यों दुखी रहते हैं मेष राशि वाले, यानी कि इस जीवन में इतना दुख क्यों मिलता है मेष राशि को, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2023 से 2025 में मेष राशि की क्या स्थिति होने वाली है, इसका मोटा मोटा हम अनुमान भी लगाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो मेष राशि में क्या गुण क्या अवगुण होते हैं, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। भाग्योदय वर्ष कब होता है मेष राशि का, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और तीन ऐसी कौन सी राशि है जिनसे सावधान रहना और क्या ड्रॉबैक होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 2023 से 2025 तक देखा जाए तो मेष राशि की स्थिति काफ़ी बढ़िया नहीं नज़र आ रही है। शनि इनके लाभ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शनि की तृतीय दृष्टि आपके स्वास्थ्य पे है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि 2023 से 2025 के बीच में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहने वाली हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं 2023 से और 2025 तक आप संतान की चिंता में भी ग्रसित रहेंगे या संतान से आपके मतभेद रहेंगे। छोटी संतान है तो कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए आप बड़े परेशान रहने वाले हैं 2023 से 2025 में। साथ ही साथ शनि की दशम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में, तो दाम्पत्य भाव में होने से क्या होगा, यहाँ होने से पति पत्नी में अनबन की संभावनाएं ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हुई, कामों में विघ्न की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के एक तो ये हो गया, साथ ही साथ शनि ऑटोमेटिकली 2023 से कुंभ राशि में होंगे, आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे। तो 2023 से 2025 तक आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई नया बिजनेस नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावनाएँ ज़्यादा दिख रही है। मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। जो शनि का राशिफल है मेष राशि के लिए वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप अपने ड्रॉबैक को ठीक कर लेते हैं, इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा देख लेते हैं और अपनी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, तो शनि की राशियां तो खराब खराब बताएंगी कि मेष राशि का खराब होगा, लेकिन खराब होगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। इसके लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आप ज़रूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि भाग्य चक्र की पहली राशि होती है मेष राशि, इसके स्वामी मंगल होता है। और जैसा कि इसको शास्त्रों के अंदर सेनापति कहा जाता है, यानी कि रूल करने वाला लीडरशिप वाला व्यक्ति जो कि सेनापति होता है, इसी प्रकार से मेष राशि जो राशियाँ होती है वो लीडरशिप क्वालिटी वाली बाय बर्थ होती है, यानी कि उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो निडर राशि होती है, यानी कि कोई भी काम बेखौफ मेष राशि वाले करते हैं, लेकिन गलत बात पे शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्सा भी इन लोगों को जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, लेकिन कम समय तक गुस्सा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा मेष राशि वालों पर जल्दी आ जाता है। साथ ही साथ गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इनके स्वामी मंगल हैं और मंगल गर्म ग्रह, और इनको अक्सर हाथों में या फेस में पसीना देखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो लोग हैं बड़े एनर्जी से भरपूर रहते हैं, यानी कि इनमें उत्साह की कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये जो राशि है ये मार्केटिंग वाली राशि है, यानी कि इनसे वाणी में कोई नहीं जीत सकता, मार्केटिंग करवा लो इनसे तो मार्केटिंग में इनसे कोई नहीं जीत सकता। साथ ही साथ क्योंकि एनर्जी वाली राशि है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग जिम योगा या वॉकिंग करते रहते हैं, अपने हेल्थ पे बड़ा ध्यान देते हैं। साथ ही साथ देखा जाए लव और रिलेशन में थोड़ा बहुत इनके जीवन में तनाव रहता है, पत्नी से भी, पार्टनर से भी, भाई बहनों से भी थोड़ा बहुत तनाव रहता है। साथ ही साथ मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं कुमा पिरा के बात नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं मेष राशि वाले, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहने की, उसी समय कहने की ताकत रखते हैं मेष राशि वाले। साथ ही साथ देखा जाए तो मेष राशि की जो महिलाएं होती है वो बुद्धि वाणी में तेज होती है, पढ़ाई लिखाई में तेज होती है, टैलेंटेड महिलाएं होती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि वाले बड़े ही टैलेंटेड लोग होते हैं।
इनका जो भाग्योदय देखा गया है वो मेष राशि वालों का, जातकों और जातिकाओं का 26 साल से लेकर और 35 वर्ष के बीच में इनका भाग्योदय देखा गया है। यानी मेष राशि वाले जितने भी जातक और जातिकाएं हैं वो उनकी शादी, विदेश में सेटलमेंट, अच्छी नौकरी, प्रॉपर्टी, वाहन, अच्छा धन, व्यापार में उन्नति 26 से 35 के बीच में देखी गई है। उसके बाद ना के बराबर ही मैंने देखी है। साथ ही साथ आप चर्चा कर लेते हैं कि मेष राशि वालों की कौन सी ऐसी राशियां हैं जो शत्रु राशियां हैं, उनसे थोड़ा आपको सावधान रहना है, मन की बात नहीं बताना है। साथ ही साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते ऐसी राशियों के साथ में, और ऐसी राशियों के साथ में कोई धन का लेन देन नहीं कर सकते। ब्लड रिलेशन में ऐसी राशियां अगर हो तो विचारिक मतभेद होते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है तुला राशि, तीसरी राशि है मकर राशि। ये तीन राशियां हैं जिसमें वृषभ राशि वालों को, अगर उनके घर के अंदर माता पिता की भी राशि पाई जाती है भाई बहनों की, तो उनसे पटती नहीं, बाहर की तो क्या कहना। तो बाहर के रिलेशन में वृषभ, तुला और मकर से मेष राशि वाले जातकों जातकाओं को थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं और मेष राशि वालों को इतना दुख क्यों मिलता है, इतना संघर्ष जीवन में क्यों मिलता है, उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए मेष राशि में अमित शाह, अमिताभ बच्चन और ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो कि अपने जीवन को सक्सेसफुल बना चुके हैं, वो अपनी कमजोरियों पे काम कर चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं मेष राशि वाले, तो उनमें कुछ कमियां हैं, उनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो कमी जिस वजह से डाउनफॉल, दुख आप झेल रहे हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी मेष राशि वाले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं, और हो सकता है कि वो कि बॉस या कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपसे बात कर रहा है लेकिन आप तो ओवर कॉन्फिडेंस से मुझे आता है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी बात कान में तो डाल रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, उसको अमल में नहीं ला रहे हैं, जिस कारण से बुद्धिमान लोग मेष राशि वालों से नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि आपने बात पूरी तरह से मेष राशि वालों ने सुनी नहीं, तो गलती पे गलती दोहराते रहते हैं काम में, जिस वजह से इनको डिमोशन, बहुत बार नौकरी तक छोड़नी पड़ जाती है, बहुत बार इनकी इतनी ज़्यादा कमियां हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये क्या कहते हैं ना, अति की भली न बोलना, अति की भली न धूप, उसी प्रकार से क्या देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से गलतियाँ काम में हो जाती हैं और ये गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते, जिस वजह से बहुत बार ये अच्छी खासी नौकरी में त्याग पत्र दे देते हैं, अच्छे खासे बुद्धिमान लोगों से बिल्कुल किनारा कर लेते हैं या वाद विवाद हो जाते हैं। कारण क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो याद रखिएगा, जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ अच्छे पद पे, तो उनकी बात आप जरूर सुने, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, ईगो प्रॉब्लम। मेष राशि वाले जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, याद रखिएगा। मेष राशि वालों पे कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है या अपने अधीन रखने की कोशिश करता है तो ये उसको करारा जवाब देते हैं, और बहुत बार क्या होता है, इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, जिस कारण से भी इनको फैमिली लाइफ के अंदर पति पत्नी के साथ में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा ड्रॉबैक, और अधिकतर कम उम्र में ये हो जाता है, आपकी अगर मेष राशि है तो ये गलतियां ना करें, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय, क्योंकि मेष राशि जो होती है वो चर राशि है, जल्दी से इनको ग्रोथ पानी है और मेहनत भी उसके लिए खूब करते हैं, उत्साह वाली राशि है, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय ले लेते हैं, जल्दी जल्दी करियर में बदलाव कर देते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, जिस कारण से ये फंस जाते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना। आप टैलेंटेड राशि हैं, थोड़ा सा आपको धैर्य रख के रुक कर एक्सपीरियंस बना के उसके बाद आपको जॉब में या करियर में निर्णय लेना चाहिए। चौथी चीज़ क्या होती है मेष राशि वाले, बहुत बार क्या होता है कि खर्चीले स्वभाव के ज़्यादा हो जाते हैं। यदि ये अच्छा कमा भी रहे होते तो मेष राशि वालों पे मैंने अधिकतर देखा है कि धन की बहुत शॉर्टेज होती है, अच्छे पद में होते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन खर्चे पे इनका कंट्रोल नहीं होता। अधिकतर क्या होता है कि मेष राशि वाले जो लोग होते हैं वो
खर्चीले होते हैं, खर्चे को हिसाब किताब से मैनेज नहीं कर पाते, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, जिस कारण से बहुत बार क्या होता है, मेष राशि वालों की बुद्धि बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं अच्छी जगह पे और अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि पैसे ही नहीं होते तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर पाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सभी मेष राशि वालों के, सबसे ज़्यादा असफलता का ये बड़ा ड्रॉबैक है, यानी कि झूठ बोलना। यदि मेष राशि की महिलाएं, पुरुष बात बात पे अपनी बातों को घुमाती है, ज़्यादा झूठ बोलती हैं, तो वो झूठ 100% पकड़ा जाएगा, जिस वजह से आपका इम्प्रेशन डाउन होगा, जिस वजह से या दूसरों की आप बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो 100% आपको आपकी राशि पे ये चीज़ सूट नहीं करती, जिससे कि क्या होगा, आपका यश में कमी आएगी, जिस वजह से क्या होगा कि आपको टिकट इजीली लिया जाएगा, आपकी बातों पे सुनवाई नहीं होगी, जिस कारण से आपकी ईगो को हर्ट होगी। याद रखिएगा, ईगो इसलिए हर्ट होगी क्योंकि आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए आपको झूठ बिल्कुल सहारा ना ले, किसी की भी बुराई ना करें, हमेशा अच्छा ही करें, चाहे व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप बुरा ना बोले, आप अच्छा बोले, देखिएगा आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आप पे मरने मिटने लगेंगे, याद रखिएगा। तो झूठ मेष राशि वालों पे शोभा नहीं देता, दूसरे की बुराई बिल्कुल शोभा नहीं देती, इस कारण से ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इन सब में सबसे बड़ा पॉइंट है दुखी रहने का। तो याद रखिएगा, झूठ और बुराई मेष राशि वालों को करनी ही नहीं, अपनी लाइफ से निकाल दो, ठीक है ना। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा फल जरूर मिलता है मित्रों। जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, कर्म कई भी ठेकेदार ऊपर बैठे हैं, हमें किसी की बुराई और अच्छाई करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु ऊपर बैठे हैं, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने मेष राशि क्यों दुखी रहते हैं इसके बारे में चर्चा करी। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट कीजिए, इसको मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं को इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और उनको कहें इन चीज़ों को ठीक कर लो बच्चों, आगे तो मेष राशि वाले अमिताभ बच्चन, अंबानी जी और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमित शाह जैसे भी बच्चे बन सकते हैं, यानी मेष राशि वाले बहुत कामयाब रहते हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।